बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुबई हुकूमत ने एक बार फिर ख़बरदार कर दिया। उनका कहना है कि 5 महीनों में, अभी पिछले 5 महीनों में हमने 12,700 लोगों के, उन लोगों के जो है वो हमने जुर्माने किए, उन गाड़ियों के जो गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फ़ोन सुन रहे थे। आगे भी सुने, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक नया चैनल है मिस्टर सुल्तान व्लॉग्स के नाम से, आप उस डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उसको क्लिक करेंगे और उस चैनल में पहुंचेंगे तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसमें हट के थोड़ी सी वीडियो है, आप भी उसको ज़रूर देखा करें। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताता चलूँ, अब दुबई की हुकूमत ने कहा है कि अगर कोई शख्स गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फ़ोन सुनेगा तो उसको भारी जुर्माना पहले से ज़्यादा किया जाएगा, जुर्माने मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने कहा नशे से ज़्यादा, जो शख्स नशा करके गाड़ी चलाता है उससे ज़्यादा ख़तरनाक है कि बंदा मोबाइल फ़ोन जो है वो गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन सुनता हुआ जाए, तो इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा 5 महीने में 12,700 लोगों के जुर्माने किए हैं इसलिए कि वो गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन सुन रहे थे। तो बड़ा ध्यान से अब, क्योंकि बहुत ज़रूरी कॉल्स आ जाती हैं और कैमरों से वो वॉच कर लेते हैं और फिर जुर्माने करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला आप सबको, ये सिर्फ बताने का मकसद था कि आप भारी जुर्माने से बच जाएंगे, जो पहले जुर्माने थे अब ज़्यादा कर दिए। जैसे कोरोना का पहले उन्होंने 1,000 दिरहम जुर्माना रखा होता, अब 3,000 कर दिया है, मास्क अगर नहीं पहना होगा। तो ये बड़ी अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि पता होगा तो आप बच जाएंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को और हर तरह की परेशानी से बचाए। फिर मैं आपसे कहूँगा, डिस्क्रिप्शन में नए चैनल का लिंक है, उसको ज़रूर जाके क्लिक करें और वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम।